हेलो फ्रेंड्स, हाय सेफ और चैनल चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दिल थाम के बैठिए, एक बहुत ही बढ़िया रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ। आप सोच रहे हैं क्या है? रोल, चिकन रोल। आप लोग सबको ही पसंद करते हैं, सबको ही खाए भी है। ये टोटली कम्प्लीटली यूनिक रेसिपी है, ये टर्की स्पेशल चिकन रोल, चिकन टिक्का रोल। चिकन टिक्का ऐसे नहीं बनाएंगे, इसको चिकन स्टाफ परोटा बना के उसमें हम रोल बनाएंगे। चलिए मेरे किचन में आ जाइए। हम ये जो इंग्रेडिएंट ऑनियन, चिल्ली, जिंजर एंड गार्लिक को पेस्ट बनाएंगे। मसाला आप लोड कर दिया है। अभी ये सब मसाला चिकन मैरिनेशन के लिए, चिकन 400 ग्राम दही लिया है। अभी चिकन को कैसे मैरिनेट करते हैं, मैरिनेट मीन्स अगर ऐसे मैरिनेट करेंगे बनाने में करने में एकदम टाइम नहीं लगेगा। ऑलिव ऑयल पहले नॉनस्टिक पैन में जिसमें हम बनाएंगे उसमें हम मैरिनेट करेंगे। पहले हम ऑलिव ऑयल ले रहे हैं, ऑलिव ऑयल 4 to 5 टेबल स्पून। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। उस पर हम वॉश के हम चिकन क्यूब्स को डाल दिया है। अभी दही 1 चम्मच हमें ऐड कर रही हूँ, चाहे तो आप 2 टेबल स्पून यूज़ कर सकते हैं। बाकी ऑल इंग्रेडिएंट्स इसमें जिंजर, कोरिएंडर पाउडर, जीरा पाउडर, रेड चिली पाउडर, चाट मसाला, फिर कसूरी मेथी, गरम मसाला और जो 4 इंग्रेडिएंट्स माने ऑनियन, गार्लिक, जिंजर एंड ग्रीन चिल्ली का जो पेस्ट हम बनाए थे उसको ऐड कर दिया। उसके थोड़ा सा हम कॉर्नस्टार्च यूज़ कर रही हूँ क्योंकि चिकन को अच्छे से फ्राई भी करेंगे और चिकन का एक बहुत मज़ेदार एक रेसिपी बनाएंगे जिसमें टिक्का, चिकन टिक्का भी रहेगा। इससे हम चिकन को 50% टेकआउट करके हम ग्राइंड भी करेंगे। अभी चिकन मैरिनेशन कंप्लीट हो गया। मैरिनेटेड चिकन देख के लग रहा है बहुत डिलीशियस होने वाला है कि नहीं? देखिए चिकन मैरिनेशन के बाद देखने में ऐसा लग रहा था। अभी सीधा जाके आप गैस में उसको नॉनस्टिक पैन को डाल दीजिए। कुछ भी ऐड करने का ज़रूरत नहीं है, इवन सॉल्ट भी इसमें ऐड किया हुआ है, ब्लैक पेपर पाउडर, आप जो जो चाहिए इसमें ऐड कर दीजिए। फिर 70% जैसे कुक हो जाता है, 40% चिकन को हम टेकआउट करते हैं, उसमें ऑयल एंड मसाला ज़्यादातर निकाल देते हैं क्योंकि इसको हम चिकन परोटा का डो बनाएंगे। अभी बाकी जो चिकन नॉनस्टिक में रह जाता है उसको हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं क्योंकि वो स्टफिंग होगा चिकन टिक्का रोल जो बनाएंगे। रोल के लिए टिक्का को थोड़ा सा फ्राई करना है। अभी चिकन को पेस्ट करने का बाद ऐसे पेस्ट करना है, गीला भी नहीं रखना है, ज़्यादा ड्राई भी नहीं करना है। अभी हम थोड़ा सा इसके लिए हम विनीगर में थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाने के लिए विनीगर एंड ग्रीन चिल्ली थोड़ा सा सोक करके रख देंगे, इससे टेस्ट और भी बढ़िया होगा। फिर ऑनियन को स्लाइस कर लेंगे। रोल बनाने के लिए जो जो सलाद हम लोग को ज़रूरत होता है वो हम रेडी कर लेते हैं। देखिए ग्रीन चिल्ली आप चाहे जितना चाहे ग्रीन चिल्ली और लेमन जूस एक साथ ऐड कर दीजिए, सॉल्ट ऐड करने का कोई नो नेसेसरी। अभी इसको रख दीजिए साइड में। अभी ऑनियन जो भी आपको जितना ऑनियन पसंद है स्लाइस कर लीजिए। अभी देखिए एवरीथिंग इज रेडी फॉर टर्की स्पेशल चिकन रोल, टर्किश डेलिकेसी भी बोल सकते हैं आप लोग। एक्चुअली हम एक टर्की सीरियल देख रहे थे, सीरियल देखते देखते ये रेसिपी इतना ज़्यादा फेमस हो गया था, इतना फेवरेट था, हमको भी बनाने का इच्छा हुआ, तुरंत हम स्टार्ट किया बनाया, फिर आप लोगों के लिए पोस्ट कर रही हूँ। अभी हम डो बनाएंगे, चिकन स्टफ डो मैंने परोठा बनाएंगे। और परोठा बनाने के लिए हम चिकन को पेस्ट बनाए हैं, मसाला चिकन को पेस्ट बना के उसका अंदर आटा डाल रही हूँ। वाटर का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा 2 टेबल स्पून वाटर देने से हो जाएगा। अच्छा से डो बनाना है और ऑयल अगर ज़रूरत है थोड़ा सा ऑलिव ऑयल आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा से परोठा जैसे डो बनता है उस टाइप का डो बनाना है। इसमें
150 to 200 ग्राम चिकन इसके अंदर है। अभी देखिए एक एक बड़ा बड़ा राउंड शेप में करके उसको अच्छे से शेप देना है। शेप ऐसे दीजिएगा, देखिए पूरा चिकन भरा हुआ है इसके अंदर। ऐसे शेप दीजिएगा जे लुक्स भी अच्छा है और अच्छा से फ्राई भी हो जाए, ज़्यादा थिक भी नहीं ज़्यादा थिन भी नहीं। अभी नॉन स्टिक पैन को गर्म कर भी कोई भी ऑयल अभी यूज़ कर सकते, कोई भी मीन्स राइस ब्रान रिफाइन ऑयल या ऑलिव ऑयल। हम बटर भी यूज़ कर सकते हैं, हम ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ। बोथ साइड को अच्छा से फ्राई करना है, गैस को मॉडरेट करना है। अभी फ्राई ऐसे कीजिएगा जे देख अंदर का चिकन तो ऑलरेडी बॉयल फ्राई कुक किया हुआ है तो टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। अभी डेकोरेशन के लिए हम रेड टेप लिया है और चिकन परोठा रेडी हो गया है, इसको हम रोल बनाएंगे। रोल बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट हमको चाहिए, मेयो, टोमेटो सॉस, ऑनियन स्लाइस, ग्रीन चिली, ये मेयो है एंड चिकन टिक्का। अभी देखिए पहले एक परोठा लेंगे, उसका ऊपर मेयो को हम ग्रीस करेंगे, फिर ऑनियन स्लाइस, चिली सॉस, चिली ग्रीन चिली विद विनेगर, फिर टोमेटो सॉस, चिकन टिक्का। देखिए अच्छा से रोल बना के हम इसको सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए टेप से इसलिए इसको डेकोरेट किया, प्रेजेंटेशन एंड इसको पकड़ने भी बहुत इजी होता है। खाने का टाइम में कोई प्रॉब्लम तो आप जैसे खाना स्टार्ट कीजिएगा तो फिर टेप को हल्का से ओपन कर लीजिएगा तो देखने में भी अच्छा लगे, सर्व करने में भी बहुत अच्छा। अभी देखिए कितना अच्छा से आप बना सकते हैं। तो मेरा ये टर्की स्पेशल चिकन टिक्का रोल विद चिकन परोठा कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने में नहीं भूलिएगा। तो फॉर मोर अपडेट्स लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर अलॉट। तो बाय बाय फ्रेंड्स, सी यू अगेन, बाय बाय, सी यू।